तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो कल मैंने हिपायर और एम ड्रेस पे वीडियो लाया था, तो कई बंदों का कमेंट आया था भाई वॉइस ओवर के साथ टिप्स एंड ट्रिक पे वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्लो जॉयस्टिक मूवमेंट। तो ये प्रॉब्लम काफी प्लेयरों को आ रही है। तो यार किसी टाइम पे मेरे को भी आई करती थी ये प्रॉब्लम, बट अभी मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है अपने लिए। तो होप सो आपके लिए भी ये सोल्यूशन वर्क करे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो है आपकी स्प्रिन सेंसिटिविटी। तो कई बंदे इसे 100 पर करके खेलते हैं, कई बंदे इसे 50 पर करके खेलते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है आपके मूवमेंट में। तो इसे एक बार 100 करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इससे आपकी मूवमेंट तो तेज़ हो जाएगी, बट आपके एम चोक होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कम ही करके खेलता हूँ। बाकी 0 तो कर दिया तो भाई बॉट मूवमेंट है पूरा, तो इसे कभी मत करना यूज़। इसमें आपका पूरा बॉट मूवमेंट हो जाएगा। फायर करते आप ना लेफ्ट जा सकते हो ना राइट। तो अब मैं आपको अपना स्प्रिंट सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी 80 पर करके खेलता हूँ हमेशा से, क्योंकि 80 मेरे को 100 से बेटर लगता है। इसमें स्टेबल एम भी रहता है, प्लस में आपको जिगल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं हमेशा से 80 ही यूज़ करता हूँ, तो आप भी एक बार यूज़ करके देख लेना। बाकी बहुत प्लेयरों का बहुत कंफ्यूजन है भाई कि बड़ी जॉयस्टिक करके स्लो मूवमेंट होगी और छोटी जॉयस्टिक रखेंगे तो बहुत तेज़ मूवमेंट होगी। तो इसे भी एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम्हें बड़ी जॉयस्टिक और छोटी जॉयस्टिक में डिफरेंट। यार तुमने बहुत से TDM प्लेयर और T1 प्लेयरों को देखा होगा बड़ी जॉयस्टिक में खेलते हुए, तो उनका थर्ड लेआउट रहता है। ज़्यादातर प्लेयरों का थर्ड लेआउट रहता है। तो फर्स्ट लेआउट में क्या होता है वो आप लोगों को ये देखने के बाद पता लग जाएगा कि छोटी जॉयस्टिक में तेज़ मूवमेंट होती है या फिर स्लो मूवमेंट बड़ी जॉयस्टिक में होती है। तो एक बार ये देख लो, और अभी मैं छोटी जॉयस्टिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यार ये देखने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि बड़ी जॉयस्टिक या छोटी जॉयस्टिक से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो भाई आपके थंब के साइज के हिसाब से। तो एक बार अपने थंब के हिसाब से जॉयस्टिक का साइज एडजस्ट करके देख लेना, क्योंकि जॉयस्टिक का साइज अगर थंब के साइज के हिसाब से नहीं होगा तो उंगलियां ऊपर नीचे हो जाएगी, उससे फिर प्रॉब्लम आती है जॉयस्टिक स्टक में। तो यार ये सब टिप्स एक बार ज़रूर यूज़ कर लेना ताकि आपको आगे जॉयस्टिक प्रॉब्लम ना आए। बाकी यार मेरे को उतना एक्सपीरियंस है नहीं वॉइस ओवर करने का, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो वॉइस ओवर भी बेटर होता जाएगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।